हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनीस कुजिन। आज हम लोग बनाने वाले हैं बेबीकॉर्न नगेट। देखिए फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी क्रंची है, सुन सक रहे हैं आप इसका साउंड, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। फ्रेंड्स आप इस वे में बेबीकॉर्न को कट करके बनाइए, बहुत देर तक क्रिस्पी रहता है। तो चलिए बनाते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमने लिया है बेबीकॉर्न, मैदा, ब्रेड क्रम्ब, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और पानी, और तेल लेंगे हम लोग डीप फ्राई के लिए। अब इसको हम लोग नमक पानी में पारबॉइल कर देंगे। देखिए मैंने इतने पतले स्लाइस में इसको कट किया है तो पारबॉइल सफिशियंट है, फिर उसको हमें फ्राई ही करना है। अब मैंने मैदे में नमक, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर मिला दिया है, इसको मिक्स कर देते हैं। और जो हमने ये पारबॉइल किया था उसका भी मैंने पानी स्ट्रेन कर दिया और थोड़ा सा इसको ठंडा कर दिया है। इसी में मैं वही गर्म पानी को थोड़ा मिला के एक सेमी थिक बैटर बना रही हूँ, जिसमें हम लोग ये बेबीकॉर्न को कोट करेंगे। और अब देखिए इसको ऐसे दोनों तरफ से डुबा के यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हमारे हाथ में भी नहीं चिपकेगा। ये एक्चुअली फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में मैंने खाया था, मुझे बहुत ही पसंद आया, एक पार्टी स्टार्टर के जैसा है, बाइट साइज में है, बहुत अच्छा लगता है। और काफी देर तक हमने जैसे इतना पतला करके रखा है तो काफी देर तक क्रिस्पी भी रहेगा। और इसके बाद बस चम्मच से इसको ऐसे या फिर हाथ से ऐसे कोट कर दीजिए, हाथ हमारा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा ब्रेड क्रम्ब भी स्टिकी स्टिकी हो जाएगा। इससे काफी कम ब्रेड क्रम्ब में ये हो जाता है। अब देखिए मैं ऐसे सूखे हाथ से इसको कोट कर रही हूँ, इसी में ही बस टाइम लगता है फ्रेंड्स। अगर आप कोई पार्टी के लिए बना रहे हैं तो आप ऐसे बना के उसको रख दीजिए फ्रिज में, और जब फ्रेंड्स आएंगे तभी बस फ्राई करना है इसको। ये मैंने दापुर बॉलीवुड में खाया था, बहुत ही टेस्टी था। काफी देर तक हम लोग ये खा रहे थे, बाइट साइज में था और काफी देर तक क्रिस्पी था। और ये यहाँ पे जो मैंने ब्रेड क्रम्ब यूज किया ये होममेड ब्रेड क्रम्ब है, इसको बस ब्रेड को जो चारों तरफ का क्रस्ट रहता है उसको मैंने निकाल दिया और उसको ग्राइंड करके थोड़ा सा मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया, तो काफी दिन तक आपका ब्रेड क्रम्ब बहुत अच्छे से रहता है। अब ये देखिए कितने अच्छे से ये कोटिंग हो गया हमारा, मैंने ऐसे बना के रख दिया है। और अब इसको हम लोग फ्रिज में 10 से 15 मिनट रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। ये अभी थोड़ा सेट हो गया है, थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देते हैं ताकि जो हमारा ब्रेड क्रम्ब है अच्छे से कोट हो जाए। और इसी बीच मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, ये एक एक करके डाल देते हैं। ये मेरी फ्रेंड पारोमिता का बर्थडे था तभी हमने खाया था रेस्टोरेंट में, और बातों बातों में मैं भूल गई ये क्या रेसिपी है, तो मुझे वही नगेट का ही टेस्ट लग रहा था तो मैंने इसका नाम बेबीकॉर्न नगेट दे दिया। थोड़ी देर के बाद हम लोग फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे, बीच बीच में थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर दीजिए ताकि ये इवनली फ्राई हो जाए और थोड़ा सा गोल्डन कलर में आ जाएगा, हम इसको निकाल देंगे। हमेशा आप फ्लेम हाई करके निकाल दीजिए, इससे क्या होगा आपका तेल बहुत कम सोक करेगा। देखिए कितना मस्त कलर आया है, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बना है।